ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनिआं नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हिना ब्रॉडवे इमीग्रेशन सर्विसेज तो अज का जो मेरा टॉपिक है इस वीडियो नूं बनाने का वो रिलेटिड है ट्रैवल अपडेट्स के नाल, क्योंकि बहुत सारे लोग जिथे वीज़ा अपलाई कर रहे हैं उत्थे उन्हां दी इक्को ही क्वेरी है इस टाइम पर कि ट्रैवल कदों खुलनगे, जिस तो उन्होंने उम्मीद होएगी कि हाँ बायोमैट्रिक होने बाद रिजल्ट आने बाद असीं ट्रैवल कर सकते हाँ, जां जिन्हां कोल ऑलरेडी वीज़ा है उन्होंने मन च भी यह है कि ट्रैवल कदों बॉर्डर कैनेडा अपने खोलेगा तो असीं अपने ट्रैवल कर पावांगे। सो लास्ट अपडेट के दौरान यही सीगा कि कैनेडा ने 7 सितंबर तो बाद अपने ट्रैवल अपडेट्स देने हैं। सो 7 सितंबर बिल्कुल ही नज़दीक है, तकरीबन कल तो बाद सानू पता चल जाएगा कि कैनेडा ने अपने बॉर्डर किस तरीके नाल खुले हैं, कि उन्हां दी अलग तो कोई रिक्वायरमेंट है। सो इत्थे बेसिक मैं तुहानू क्लीयर करना चाहवांगी कि कैनेडा दे विच अगर तुसी ट्रैवल करना चाहते हो तो उन्हां दी एक बिल्कुल जरूरी जो कंडीशन है वह है कि तुसी फुली वैक्सीनेटेड होने चाहिए हो, तां ही तुसी ट्रैवल कर सकते हो। अगर तुसी ट्रैवल करना चाहते हो, तुहाडी एक वैक्सीनेशन हुई है सैकेंड नहीं हुई, तुसी ट्रैवल नहीं कर सकते। सो जरूरी है कि तुसी दोनों डोजेस कंप्लीट करवा के रखो। इस तो इलावा एक होर चीज़ है इनडायरैक्ट रूट के नाल अगर तुसी जाना चाहते हो, वो किस तरीके नाल होएगा कि तुहानू जिस तरह की पता होएगा कि दुबई ने अपनी फ्लाइट्स ओपन कर दित्तियां हन, तो दुबई तो सीधा टोरोंटो की फ्लाइट हो रही है। सो अगर तुसी जाना चाहते हो कि कई लोग आते हैं कि मैम साडी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, सो उन्हां लई भी एक अच्छी न्यूज़ है कि वो पहला दुबई जान, दुबई 4-5 दिन रुकन तो बाद उत्थे अपनी फ्लाइट डायरैक्ट कैनेडा की करवा लैन। सो उन्हां दी दुबई तो डायरैक्ट टोरोंटो की फ्लाइट उन्हां नूं मिल जाएगी, जिस दे नाल वो ट्रैवल कर जाएंगे कैनेडा दे विच। इस तो इलावा अगर मैं वेट करा कि हाँ वाकई 7 सितंबर तो बाद कैनेडा अपना ट्रैवल का कोई ना कोई अपडेट जरूर देगी, इस तो इलावा अगर ये लेट होएगा भी वीक या 2 वीक लेट हो जाएंगे, तकरीबन 20 सितंबर तो बाद सानू एक स्ट्रोंग उन्हां दा रिजल्ट मिलेगा पॉइंट ऑफ व्यू कि ट्रैवल दे उत्ते उन्हां दी की सोच है, कदों ओपन होणगे। इस तो इलावा ज़्यादातर जो फस्ट प्रैफरेंस मिलेगी उन्होंने मिलेगी जिन्हों का एमरजेंसी है उत्थे जाना जिहड़ा ज़्यादा जरूरी है, उन्होंने ही वो फस्ट प्रैफरेंस देंगे। अगर कोई नॉर्मल प्रोफाइल है जिहड़ा कि कह रहा है कि मेरा सारे इनकम सोर्सेज वगैरह सब कुछ क्लीयर है एंड मैं कैनेडा घूमन जाना चाहना वा, दैन सपटेंबर तो बाद उन्होंने भी उम्मीद की जा रही है कि तुम नॉर्मल टूरिस्ट वीजे पर उत्थे जाके घूम सकते हो। बाकी मैं इतने उन्होंने लोगों को जरूर मैनशन करना चाहवागी जिन्होंने स्टिल अपलाई नहीं किया, सोच रहे हैं कि आप देखते हैं ट्रैवल अपडेट की होंगे जी, आप लोगों के रिजल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, हो सकता है जिनी देर तक तुम वेट कर रहे हो उस तो बाद फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम करके कैनेडा के जो फाइल्स है ऑनलाइन जड़िया कि हूँ वो एक्सैप्ट कर रहे हैं बाद में एक्सैप्ट ना कर। सो बेस्ट पॉइंट है कि तुसी अगर अपना ट्रैवल प्लान सोच रहे हो तुसी क्रिसमस न्यू ईयर का ट्रैवल प्लान पाओ, क्योंकि जेडे दिन हैं रिजल्ट दे वो पहला 175 से दिन हूँ घट के 130 दिन हो गए हैं, यानी कि तकरीबन तुहानू 2-3 महीने दे विच अपना रिजल्ट मिल जाएगा। अगर तुसी सोच रहे हो कि पहला असी देख लीए ट्रैवल अपडेट की हन फिर अप्लाई करांगे या असी ते जाना ही दसंबर दे विच से असी अक्टूबर च अप्लाई करांगे, तुहाडे लई बहुत लेट हो जाएगा, तुसी भुल जाओ कि इस केस दे विच तुहानू वीज़ा मिलेगा। तुहाडे तो पहला जो प्रोफाइलां लगियां हन वह वीज़ा जरूर लै लैणगे, ट्रैवल भी कर लैणगे। सो बेस्ट है तुसी हुण तो ही अपनी प्रोफाइल चैक कराओ साडी टीम तो, टीम नाल कॉन्टैक्ट करन दे लई 7965 7965 नंबर ते कॉल कर सकते हो। बाकी साडी वीडियोज़ नू देखते रहो, लाइक करते रहो, सबसक्राइब करते रहो तां कि आने वाले जो भी अपडेट्स हैं मैं तुहाडे तक पहुँचाती रहां। बाकी 7 सितंबर तो बाद ट्रैवल नूं लैके जो भी अपडेट रहेगा मैं तुहानूं इन्हां वीडियोज़ के थ्रू दसदी रहांगी, उहदे लई तुसीं साडी वीडियोज़ जरूर देखते रहो। थैंक यू सो मच। ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनिआं नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान।